हेलो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टेट को भी शो करती हैं और एक्शन को भी शो करती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं वर्ब्स को देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को भी शो करती हैं और स्टेट को भी शो करती हैं, और जब एक्शन को शो करती हैं तो उनको पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब स्टेट को शो करती हैं तो देखिए उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरह से उसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स शो बोथ एक्शन एंड स्टेट ऑफ समथिंग। यहाँ पे द फॉलोइंग वर्ब्स, आप इसको माने चलना, द फॉलोइंग वर्ब्स शो बोथ एक्शन एंड स्टेट ऑफ समथिंग, मतलब जो ये जो वर्ब्स आपके सामने जो डिस्प्ले होने वाली है वो दोनों चीज़ें शो करती हैं, एक्शन भी शो करती हैं और किसी चीज़ की स्टेट भी शो करती हैं। तो ये वर्ब्स हैं कट, बिल्ड, पैक, क्लोज, रून, ब्रेक और फिनिश। तो ये जो वर्ब हैं ये स्टेट भी शो करती हैं और एक्शन भी शो करती हैं। तो कैसे शो करती हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द पुलिस क्लोज द थिएटर। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है क्लोज, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है पुलिस, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द थिएटर। यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन को शो कर रही है क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है, इसका जो डूअर है वो दे रखा है, और उसके बाद किसको क्लोज किया गया ये भी दे रखा है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब है। हम इस सेंटेंस को पैसिव में जो है चेंज कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं, इसको पैसिव फॉर्म में बदलने की वही रूल्स हमने अप्लाई किए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बनाया है द थिएटर, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो हमने लगाया वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई क्लोज, उसके बाद बाई लगाया, उसके बाद द पुलिस जो ऑब्जेक्ट था ये लगाया, ठीक है। ये एक्शन वर्ब थी इसलिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में बदल दिया। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीच्ड देयर आई फाउंड द थिएटर वाज क्लोज्ड। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने पाया थिएटर क्लोज्ड था। अब यहाँ पे ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये स्टेट को शो कर रही है, ठीक है। जब स्टेट को शो करती है तो इससे पहले हम इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह जो बी की फॉर्म है वो लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे जो है स्टेट को शो किया जा रहा है। किसकी स्टेट को शो किया जा रहा है? थिएटर की स्टेट को। थिएटर की क्या अवस्था है कि थिएटर क्लोज्ड है। इसी प्रकार से कुछ और वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ वर्ब्स देखिए इन वर्ब्स में, जैसे कट हो गया, बिल्ड हो गया, पैक, क्लोज। तो हमने ये जैसे क्लोज वर्ब देखी अभी, ठीक है, ये किस प्रकार से एक्शन और स्टेट को शो करती है। उसी प्रकार से चलिए कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे ही कट द केक। अब यहाँ पर जो कट वर्ब है ये एक्शन को शो कर रही है क्योंकि इसका डूअर भी है, ठीक है। तो इसको हम पैसिव फॉर्म में बदल सकते हैं, द केक वाज कट बाई हिम, ओके। तो ये किस तरह से पैसिव में बदला आप समझ गए होंगे, ये एक्टिव है, पैसिव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नीचे लिखा हुआ है ये, द वेजिटेबल्स आर ऑल कट अप। अब यहाँ पे ये जो कट अप है ये एक स्टेट को शो कर रही है यहाँ पे, और इससे पहले ये बी की फॉर्म है। तो जब ये स्टेट को शो करती है और इससे पहले हम बी की फॉर्म रखते हैं तो इसका मीनिंग वही होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है उसका मीनिंग वही होता है। तो द वेजिटेबल्स आर ऑल कट अप का मतलब है द वेजिटेबल्स हैव ऑल बीन कट अप। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ब है रून। तो जैसे ही इज अंकल रून इज कैरियर, तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है क्योंकि इसका जो डूअर है वो लिखा हुआ है हीज अंकल। तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, हीज कैरियर वॉज रून बाय हीज अंकल। लेकिन इस रून वर्ब को जब हम बीफ की फॉर्म के साथ लिखते हैं तो ये किसी वस्तु की स्टेट को भी शो कर सकती है, जैसे आई गॉट कॉट इन द रेन, मैं बारिश में फंस गया, एंड माई वॉच इज़ रूइंड, और मेरी जो वॉच है वो रूइंड हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है, जो है नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो रून वर्ब है ये यहाँ इस वॉच की स्टेट को शो कर रही है और बी की फॉर्म लिखी हुई है। तो जैसे मैंने बताया, जब ये वर्ब्स किसी वस्तु की स्टेट को शो करती हैं तो ये इनका मीनिंग जो है वो परफेक्ट मीनिंग होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है। तो जैसे माई वॉच हैज़ बीन रूइंड। इस प्रकार से देखिए, दे ब्रोक द ग्लास, उन्होंने ग्लास को तोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका डूअर है यहाँ पे, तो ये एक्शन वर्ब है और इसको हम पैसिव फॉर्म में बदल सकते हैं, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय देम। लेकिन जब ये वर्ब बी के साथ लिखी हुई हो, तो जैसे आई थिंक योर एंकल इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये बी की फॉर्म के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये किसी स्टेट को शो कर रही है। अब स्टेट को शो कर रही है तो किसकी स्टेट को शो कर रही है? एंकल की स्टेट को शो कर रही है। तो यहाँ पे एंकल की स्टेट्स बताई जा रही है कि तुम्हारा जो एंकल है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ ऐसे में ये जो मीनिंग होता है ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई थिंक योर एंकल हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू पैक्ड योर सूटकेस। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो है पैक, इसका जो डूअर है वो दिया हुआ है, तो ये एक्शन वर्ब है और हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, हैज़ योर सूटकेस बीन पैक्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए, माई सूटकेस इज़ पैक्ड। अब यहाँ पे जब हमने इस वर्ब को बी की फॉर्म के साथ लिखा तो ये जो किसी वस्तु की स्टेट को शो कर रही है,
किस वस्तु की सूटकेस की, कि जो मेरा सूटकेस है उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, कि भाई वो पैक्ड है। तो यहाँ पे ये इज के साथ ही मतलब बी की फॉर्म के साथ लिखा हुआ है ये, तो ये सूटकेस की स्टेट को जो है शो कर रहा है। तो ऐसे में जो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, मतलब ये जो बी की फॉर्म है इसका मीनिंग क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं माई सूटकेस हैज़ बीन पैक्ड। तो जब ये किसी ये जितने भी वर्ब्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये वर्ब जब किसी वस्तु की स्टेट को शो करती हैं तो इनका मीनिंग वही होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।